नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिवाली स्पेशल के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे ब्रॉडर इकोनॉमी की। क्यों? क्योंकि बहुत बदलाव है जो इस समय देखने को मिल रहे हैं। आपका इंटरेस्ट रेट रिवर्सल साइकिल जो है वो दिवाली से दिवाली तक में ही हुआ है। और अगर हम देखें तो चाइना का स्टिमुलस आना, उसका हमारे FII फ्लोज पे इम्पैक्ट पड़ना, मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, इंडिया के इंटरेस्ट रेट कब से कटना शुरू होंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, मिस अंकिता पाठक। शी इज चीफ मैक्रो एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट एट एंजल वन वेल्थ। वेरी गुड आफ्टरनून अंकिता जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। गुड आफ्टरनून गीतू, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी, ऑलवेज अ प्लेजर। प्लेजर इज ऑल आवर्स मैम। अंकिता, आपसे शुरुआत करते हैं हम, क्योंकि this year has been very important from Diwali to Diwali. Interest rate reversal cycle has set in. जहां हमने inflation एक concern देखा था global economies के लिए, वहीं अब inflation जो है वो backseat ले चुका है और interest rate reversal का cycle शुरू हो चुका है, जिसमें Fed ने शुरुआत की with an aggressive rate cut of 50 basis points. तो अब आपको क्या लगता है Fed की तरफ से क्या होने वाला है और उसका impact जो है हमारे Reserve Bank of India की पॉलिसीज पे क्या पड़ सकता है? सो व्हाट इज योर व्यू ऑन इंटरेस्ट रेट सिनेरियो इन कमिंग वीक्स एंड क्वार्टर्स? वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। आजकल सब इंटरेस्ट रेट्स की ही बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक जब फेड ने 50 बेसिस पॉइंट काटा था तो मार्केट 25 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इट केम अक्रॉस एज अ गुड न्यूज एंड देन टर्न इनटू अ बैड न्यूज, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि फेड इतना ज़्यादा रेट कट क्यों कर रहा है, शायद रिसेशन आ गया है, इसलिए फेड 25 की जगह 50 कर रहा है। एंड आई थिंक इतने फास्ट पेस रहा है वो लास्ट मंथ, क्योंकि जो भी यूएस के नंबर्स आ रहे हैं ग्रोथ में, अर्निंग सीजन्स चल रहा है इंडिया में भी यूएस में भी, वो नंबर्स सडनली स्ट्रॉन्ग आने लगे हैं। तो अब लोग बोल रहे हैं कि जब ग्रोथ अच्छी है तो फिर फेड कब तक रेट्स काटेगा। तो आई थिंक नैरेटिव हर हफ्ते बदला है लास्ट एक महीने में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस रही है ये इंटरेस्ट रेट मूवमेंट की और इन्वेस्टमेंट दोनों की। मुद्दे पे अगर हम आते हैं इंटरेस्ट रेट साइकिल की, तो फेड बचा हुआ ये जो FY25 में जो अभी हम हैं, आई थिंक 50 बेसिस रेट और काट सकता है, अभी भी स्कोप है। इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम अलग है, क्योंकि इंडिया का फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रहा है। And you know, our respected governor Shaktikanta Das has said in like multiple conferences कि बहुत जल्दी इंडिया के लिए रेट काटना थोड़ा प्रीमेच्योर और रिस्की हो जाएगा। जब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बिल्कुल कम हो गया है तभी हमें इन्फ्लेशन काटना चाहिए। तो जैसा हम जानते हैं कि RBI एक टारगेट रखता है 2% से 6% तक की, और 4% हमारा जो मिडिल लेवल है वो हमारा कंफर्ट लेवल है। अभी हम FY25 के लिए 4.5% प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और RBI की एक्सपेक्टेशन भी इतनी ही है इन्फ्लेशन में। तो अगर 4.5% इन्फ्लेशन रहता है जो 4 से थोड़ा ज़्यादा ही है, तो क्या RBI को रेट काटना चाहिए? आई थिंक सवाल यही है। बट डोमेस्टिकली हमें थोड़ा ग्रोथ में भी स्लो डाउन दिख रहा है, और RBI का डुअल मैंडेट है कि इन्फ्लेशन के साथ उसे ग्रोथ भी संभालना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे हम इंडिया का हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देख रहे हैं, GST कलेक्शन, 2-व्हीलर सेल, 4-व्हीलर सेल, वहाँ थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन आना शुरू हुआ है। तो हम मतलब मेरे हिसाब से, और आई थिंक स्ट्रीट पे भी ये कंसेंसस बन रहा है कि अगर RBI अभी रेट काटता है तो हम किसी ग्रोथ स्लो डाउन से खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो आई थिंक हमारा बेस केस ये है कि इवन दो इन्फ्लेशन इज स्लाइटली हायर, टू प्रोटेक्ट द ग्रोथ RBI शुड deliver a rate cut, and I think 25 basis points in December is still likely. If not, it will come in February. But I think before FY25 ends, we will have a 25 basis rate cut, which I mean, कहने में वो 25 basis rate cut है, but वो एक start of a cycle है, because rates always go in a cycle. तो जब RBI ने अपना stance change किया from withdrawal of accommodation to neutral अक्टूबर वाली पॉलिसी ने, तो उसने ये सिग्नल ऑलरेडी दे दिया है कि ज़रूरत पड़ने पे इट इज़ रेडी टू कट रेट्स। वेदर यू नो वी वेट फॉर अ बिट मोर और वी गो एंड गिव इट ऑल आउट इन डिसम्बर 25 बेसिस, आई थिंक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन वाइज 25 basis rate cut will come in, is most likely to come in FY25, which will start the new rate regime of moving away from 6.5% that we are on repo rate to lower rates in India. So in some way, global interest rate cycles will continue to move together. अभी सिर्फ डेवलप्ड मार्केट्स रेट काट रहा है, इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया, इंडोनेशिया, एवरीवन इज होल्डिंग बैक. वी आर बीइंग वेरी कॉशियस. Geopolitics की वजह से भी also we are being very cautious because crude is a concern and crude, we import crude. तो अगर उसकी वजह से inflation आ जाता है और हमने rate cuts कर दी है तो it could rather be premature and risky. So I think उसकी वजह से emerging markets थोड़ा data को settle होना देना चाहते हैं, थोड़ा Middle East का conflict को wait and watch कर रहे हैं. But having said all of it, I think 25 basis in FY25 should come in, and it will be a start of longer term rate cut cycle. Ankita, as you rightly pointed out, because abhi jo hum commentary managements ke dwara sun rahe hain, and basically with FMCG mein kabhi slowdown ki baat to nahi थी, लेकिन उनको सुनने में मिल रही है एफएमसीजी मैनेजमेंट्स की तरफ, कंपनीज के मैनेजमेंट की तरफ से, वो ये है कि अर्बन डिमांड इज आल्सो स्लोइंग डाउन. हालांकि रूरल डिमांड थोड़ा पिकअप कर रही है बिकॉज ऑफ द गुड मानसून, पर अर्बन साइड पे भी डिमांड में थोड़ी बहुत कंट्रैक्शन देखने को मिल रही है, विच दे आर रियली कंसर्न अबाउट. और उनका ये भी मानना है कि फेस्टिव सीजन के भी जो बिक्री के आंकड़े हैं वो उतने अच्छे नहीं होंगे. इट्स थोड़ा लोअर साइड पे ही होगा, मॉडरेशन ही होगी. You rightly pointed out कि फ्रंट लोडिंग अगर RBI करता है तो हो सकता है कि हम जिस स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, हल्केपन की जो बात कर रहे हैं, दैट कैन बी स्टॉप्ड. सो कीपिंग ऑल दिस इन व्यू, the GDP forecast for FY25 is being projected at 7.2%. IMF says 7%. We still have the fastest growing economy in the world. आपके GDP के अनुमान क्या है? I am more inclined towards 7%, and I think we are still the fastest growing economy in the world. Would 20 basis इतना matter नहीं करता है. I think what matters most is कि हमें ये समझना पड़ेगा how can India compound at 7% for the next 10 years, because हमारे पास वो potential है, हमारे पास demographic dividend है, हमारे पास you know infrastructure है, अब foreign ties हैं. We have 4-5 pillars of growth that can actually increase our potential output at a 7-7.5% for next 10 years. So I think short term view mein maybe we will miss growth by 20 basis. That is okay. We should not miss the longer term story. And why I'm saying it is that दो policies होती हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक fiscal policy, एक monetary policy. अभी फिस्कल को स्लो डाउन करना ही पड़ेगा. देयर इज बिकॉज FY26 का हमारा टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का 4.5% ऑफ GDP. इस साल हम 4.9 पे है, और प्री कोविड तो हम 3.5% ऑफ GDP FRBM के अंतर्गत उसको यू नो टारगेट बनाते थे. देन कोविड हैपेंड एंड थिंग्स चेंज ऑफ कोर्स. अब अगर फिस्कल स्लो डाउन करेगा so something has to make up for it in the economy. Only then can we grow at, you know, 7.2 or 7.5%. I personally think कि जब fiscal slowdown हो रहा है तो monetary policy थोड़ी ज़्यादा deflationary हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा easy हो सकती है. हमने अक्सर ये question उठाया है कि जो money supply है इंडिया की, जो 2004 से 7 या प्री GFC ऐसी 17% से grow कर दी थी, अब वो अभी से 10-11% से ही grow कर रही है. तो मॉनिटरी कंडीशंस इंडिया की थोड़ी सी टाइट रही हैं, एंड इट हैज वर्क्ड इन आवर फेवर. देयर इज नो डाउट कि उसने हमें बहुत ही रेजिलिएंट बनाया है, ग्लोबल शॉक से भी बचाया है. तो गुड पॉलिसी डिसीजन सो फार, बट अगर आगे जाके हमें ग्रो करना है, स्पेशली जब फिस्कल को थोड़ा खुद को फिस्कल सपोर्ट को रोल बैक करना ही पड़ेगा टू बी अलाइन टू आवर कमेंट्री एंड टू यू नो कम अक्रॉस ग्लोबली एज अ कंट्री व्हिच कैन कंट्रोल फिस्कल. आई थिंक मॉनेटरी थोड़ा ज़्यादा ईजी हो सकता है, और मॉनेटरी रिफ्लेशन से हम उस ग्रोथ को लुब्रिकेट कर सकते हैं इन अ सेंस. तो आई थिंक इस साल तो 7% विल ग्रो, एंड आई एम नॉट वरिड अबाउट यू नो मिसिंग दैट 20 बेसिस. आई वॉन्ट टू सी वॉट वी आर डूइंग टू ग्रो एट यू नो 7-7.5% फॉर नेक्स्ट 10 years, बिकॉज आई थिंक दैट विल चेंज द गेम ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इकोनॉमीज. Because once we compound at that rate, I think we will really stand tall with what we offer to the rest of the world. Is that what is bothering the markets, Ankita? आपने कहा कि fiscal discipline के लिए हमको थोड़ा बहुत वहाँ पे नरम रहना पड़ेगा. Will that impact government spending first? और अगर government spending impact होती है, तो क्या private capex को boost करने के लिए, as you said, कि interest rate में कटौती होना संभावित है दिसंबर में. Government spending अगर कम होती है, that is going to reflect in the markets as well, because PSU sector we know it's down 30 to 40% now. 100%. I think काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो लास्ट 3 साल में गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट पुश की वजह से बहुत आउट परफॉर्म किए हैं. एंड फिस्कल डिसिप्लिन लाने के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो आप अपने रिसीट्स बढ़ाइए या अपने एक्सपेंडिचर कम करिए. रिसीट्स बढ़ाना इज इक्वल टू सम फॉर्म ऑफ टैक्सेशन मोस्टली, अनलेस यू कैन गो थ्रू डाइवेस्टमेंट्स एंड ऑल, एंड वी आर हेवीली टैक्स्ड मूव अगेन. एंड इफ यू आर रिड्यूसिंग योर expenditure and we are sitting like in post election regime as well, so right, it kind of makes sense to cut back on expenditure. So India ka jo capex cycle abhi tak humne dekha hai, it has been very government driven. Private capex risk taking ability थोड़ी सी कम है. अगर corporates की हम बात करें तो उन्होंने एक अच्छी सी deleveraging cycle पे थे, like debt to equity for BSE 500. If you look, it has been just deleveraging really well, but that's because the capex hasn't come in. So I think going forward, private capex will have to drive, and ऐसा मतलब it's a normal thing कि जब crisis होती है, then government comes in, it does a bit of heavy lifting, and then it is the private sector which has to continue. इट्स लाइक गाड़ी स्टार्ट कोई कर देता है बट फोर्थ गियर में तो प्राइवेट सेक्टर ही ले जाता है उसे. सो वो फोर्थ गियर में जाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, एंड आई थिंक उसके लिए लोअर रेट्स विल हेल्प. एंड एज आई सेड दैट वे आई थिंक इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ इट विल हैपन, इट्स जस्ट अबाउट व्हेन. तो 2 महीने पहले या 2 महीने बाद, बट आई थिंक इंडिया को थोड़ा मॉनिटरी पुश अगर मिलेगा, देन वी कैन कंपाउंड एट a good growth rate for foreseeable future. अंकिता, ये FII का exodus जो हमने देखा है, 90,000+ crores of sell off in beginning from 1st of October till now, more than that. ये चाइना फैक्टर ही है क्या? चाइना का स्टिमुलस की जो अनाउंसमेंट्स की जा रही है, उनके प्रॉपर्टी मार्केट को सपोर्ट जो दिया जा रहा है पीपल बैंक ऑफ चाइना की तरफ से, इज दैट व्हाट इज लीडिंग टू FIIs going out of India and getting into these markets, or there's some other reason for it too? No, Geetu, I think I'm a little aligned to a fact that it has never been India or China. It has always been India and China. Jab markets, I mean, apart from last 3 years when China was really not doing well and India was doing extremely well, emerging market as a basket अच्छा करता था versus a US or as a basket खराब करता था. So that has been the trend. So I don't think कि money flowing into China, 1 महीने की बात अलग है, but over a long term doesn't take away from India. What has rather happened is that, I mean, China is one factor, but US numbers, as I was saying, is coming out very strong. The big banks in US have done their earning seasons. Results are way above analyst estimates. Unemployment numbers is coming strong. Dollar index जो weaken होने लगा था वो वापस strengthen होने लगा है. तो FI and एक globally एक risk averse type का environment बन रहा है. हम कोई भी risky assets का ratio देखें to a risk free asset, चाहे उसमें equity to gold देख लूँ या crude to gold देख लूँ, copper to gold देख लूँ, equity to बॉन्ड देख लूँ, एनी ऑफ द एसेट जिसमें आप रिस्की एसेट को ऊपर रख रहे हो, रिस्की एसेट को नीचे रख रहे हो एज अ डिनोमिनेटर, वो रेशियो में सारे रिस्क फ्री एसेट ही अच्छे करें रिलेटिव बेसिस पे. तो एक ग्लोबल इक्विटी के वैल्यूएशंस इतने हाई हैं, इंडिया इक्विटी के वैल्यूएशंस भी बहुत हाई थे और चाइना इक्विटी के वैल्यूएशंस बहुत ही लो थे. इक्विटी के वैल्यूएशंस हाई हैं, एट द सेम पॉइंट एक रिस्क अवर्स सा इन्वायरमेंट है, जियोपॉलिटिक्स में रोज़ एक नई न्यूज़ आ रही है. तो आई थिंक पीपल आर जस्ट कीपिंग देयर हैंड्स टाइट, एंड इमर्जिंग मार्केट एज अ बास्केट हमेशा ही riskier asset class में आता है. Right. Very true. It's a riskier allocation. It's not the most risk-free allocation. So I think, and then US is cutting rates. That means US bonds will also make money, just not just equity. So I think combination of all 3-4 factors is affecting FII flows, and I think it's not just China alone. And agar once we have the US rate cuts happen, and if the dollar index eases again, I think both India and China can do well over a 3 to 5 year kind of a period. Ye to initial adjustments is what we are seeing. And fun fact, finding China FII flows are very hard. Like, it's not a data that you get on a very regular basis, but Japan has gotten a lot of money in October. Some $12 billion of FII flows have happened in Japan. So I would like to break that narrative of money going from India to China. I think both can actually do well, but there are other economies that have surprisingly done well, and therefore both are standing at a bit of a losing point. But China के valuations बहुत comforting थे और India के valuations भी ज़्यादा थे, so I think India has taken a bigger hit because of that. Right. अंकिता, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे आपकी नजर रहेगी जो आपको लगता है कि ये promising sectors है, one needs to be in these sectors? जी, so this has become मतलब बहुत ही earnings driven market हो गया है अभी, जहाँ पे pockets of earnings हैं वहीं पे ग्रोथ आएगी इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइसेस. बिल्कुल कंट्रास्ट है लास्ट 3 साल का, जहाँ पे इट वाज लाइक गोइंग अप विद द वेव काइंड ऑफ अ सिचुएशन. इफ यू वर राइडिंग द वेव यू जस्ट वेंट अप. तो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट स्पेस है. कैप सेक्टर, कैप वाइज हमें लगता है कि लार्ज कैप में थोड़ा ज़्यादा स्पेस है टू both fall less and then eventually outperform if you are making fresh allocations today. सेक्टर्स में हमें डिफेंसिव सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं क्योंकि एक तो वो मिड टू लेट स्टेज ऑफ बुल रन में एनी वे बेटर करते हैं, तो एक सेक्टर रोटेशन का पॉइंट आता है. बट सेकेंड पॉइंट इज ऑन द अर्निंग्स ऑल्सो, दैट इज वेयर द अर्निंग्स आर ऑल्सो कमिंग इन. सो फार्मा एंड हेल्थ केयर, FMCG एंड कंज्यूमर, IT. एंड उसके अलावा जो हमें सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है वो है प्राइवेट बैंक्स. उनका रिटर्न टू इक्विटी बहुत हाई है और अभी भी 2.1 टाइप के प्राइस टू बुक ऑफ रेशियो पे अवेलेबल है. बहुत ज़्यादा न्यूज़ को रिएक्ट भी कर रहे हैं. आई थिंक अभी मार्केट ऐसा हो गया है कि वन बैड पॉइंट एंड इट्स अ मैसिव सेल ऑफ. नाउ अ लिटिल अनफॉरगिविंग इन दैट सेंस. But I think there are adjustments hai for a long-term investor entering all the defensives, all 3 defensive sectors plus private banks at this point could be beneficial in next 2 to 3 year kind of investing period. Ankita, what is your outlook for crude, gold, and silver? Because these 3 commodities have been impacted. जब डॉलर मजबूत होता है तो ये नीचे जाते हैं, जब डॉलर कमजोर होता है तो ये ऊपर आते हैं. अब इस बार ऐसा भी हो रहा है कि कमजोरी के बाद मजबूत भी हो गया डॉलर, लेकिन गोल्ड इज टचिंग ऑल टाइम हाई, सिल्वर इज नियर 52-week हाई. क्रूड में खबर आती जाती है, कभी तो रिसेशन की बात होती है, फिर बोलते हैं रिसेशन नहीं है, ना इकोनॉमी इज डूइंग गुड. तो ये है, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ता है तो क्रूड ऊपर जाता है, नहीं तो वो नीचे फिर वापस. इट्स अ टाइट बैंड बिटवीन $70 to $80 दैट क्रूड हैज बीन हावरिंग फॉर लॉन्ग. So what is your outlook for crude, gold, and silver? So let's start with crude. I think crude should be sub 70, but एक ही problem है वहाँ पर, वो है the Middle Eastern conflict. Okay, ईरान के पास से एक स्ट्रेट निकलता है जिसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. उससे ग्लोबली सम 20-25% ऑफ ऑयल सप्लाई पास होता है. तो अगर डिमांड सप्लाई सेम भी रहता है, अगर आप सप्लाई चेन को हिंडर कर देते हो देन यू आर क्रिएटिंग स्क्वीज इन अ सेंस. तो वो बहुत बड़ा रिस्क है. अभी तक जो ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट में, उसमें कोई भी ऑयल माइनिंग या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अटैक नहीं हुआ है. बट आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स में सबको ये वरी है कि इफ एनी थिंग हैपन्स अराउंड दैट एंड इफ ईरान जस्ट यूजेज दैट एज आई थिंक इकोनॉमिक वेपन अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है. अगर वो हुआ तो क्रूड विल डेफिनेटली शूट अप. दूसरा एंड उस पे फिर देन क्रूड कैन नीजर्क रिएक्शन में 100 तक भी जा सकते हैं बिकॉज यू आर बेसिकली स्क्वीजिंग आउट 25% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई, वेरी वेरी बिग नंबर. उसके अलावा आई थिंक कुशनिंग इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं कि वाई इट शुड बी सब 70. अगर मैं एक इस फैक्टर को रूल आउट कर दूँ, चाइनीज़ डिमांड इज स्टिल यू नो काइंड ऑफ वीक, तो उधर डिमांड नहीं आ रही है. सेकेंडली, ओपेक हैज़ अग्रीड कि वो सप्लाई कट्स करके आर्टिफिशली प्राइस को इन्फ्लेट करके 100 को टारगेट नहीं करेंगे. दे डोंट हैव दैट स्पेस अवेलेबल एनी मोर एंड देयर इज़ अ सॉफ्ट अग्रीमेंट इन ओपेक to establish a fair balance, which was initially not what they practiced. And third, US का shale oil supply में जो उन्होंने COVID के time पे capex किया था, that oil supply is now coming to market. So all of this three combined means that crude should be 70 to sub 70. But you can never rule out this risk of Middle Eastern conflict going to a point that it affects oil supply or oil supply chain in a certain way. So intermittent spikes in crude cannot be ruled out, and I think this is only one variable that I'll be very closely watching. Gold, silver, I think hum to positive hi hai, and we've been positive for a while on it. So obviously dollar weaken hota hai to gold silver better karta hai. I think ek wo आर्ग्यूमेंट तो है ही, बट उसके अलावा दो बड़े आर्ग्यूमेंट हैं. एक, चाइनाज नेट इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड, व्हाट हैज़ हैपेंड इन चाइना इज़ एट द सेंट्रल बैंक लेवल बट ऑल्सो एट द कंज्यूमर लेवल, बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ हैविंग वेरी लो ग्रोथ, पीपल शिफ्टेड अवे फ्रॉम होल्डिंग युआन टू होल्डिंग गोल्ड. चाइनाज नेट इम्पोर्ट्स ऑफ गोल्ड आर क्लॉकिंग अ फ्रेश हाई एवरी मंथ. सो वहाँ से गोल्ड का बहुत यू नो डिमांड जो था वो बढ़ा. और थर्ड फैक्टर है ये जियोपॉलिटिक्स. जब मैं बोल रही हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत ही रिस्क ऑफ सा सेंटिमेंट है, सेफ हेवन की तरफ जाना है, तब गोल्ड स्टैंड आउट करता है ओवर एनी अदर एसेट क्लास. और फाइनली इक्विटी, एज आई सेड कि वैल्यूएशंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई थे, तो दैट हेज हैज़ ऑल्सो यू नो स्टार्टेड टू प्ले आउट. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दीज, gold is a structural story, I would say, and definitely was a structural story. It's separate that we've seen some 40% uptick in about a year. Going forward, I think gold still has some more space. Abhi market us position mein hai jab intermittent adjustments ho rahe hain. I wouldn't say the adjusting cycle is complete already. I think it's still in the phase. So all of the factors that I mentioned, and then you also have the US elections coming in, with which will have their own sense of volatility. I think gold can continue to do well. Silver और gold में सिर्फ इतना सा फर्क है कि gold is also a recession hedge. Silver क्योंकि precious metal तो है ही, but it's also something that is used in industrials a lot, EV, solar panels, etc. तो silver does well when you know risk off है और growth भी है. So we are not talking about complete growth slowdown is when silver does well, and I think वैसे ही environment में अब अभी है, क्योंकि it's not like COVID that industrial production is stopping. It's just slowing down a bit, which makes silver an exciting space to be. And secondly, gold to silver का ratio जो होता है, which I think is at an extreme in a sense कि gold has done very well compared to silver. Silver अभी उतना नहीं perform किया है. True. Incrementally, I think silver can do better, slightly better than gold also for you know next 2 to 3 months. थोड़ा short term view इसलिए है क्योंकि हमने दोनों precious metals में बहुत ज़्यादा रैली देख ली है. तो अगर macros you know सब सेटल हो जाता है, जियोपॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट अबेट हो जाता है, और ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन आता है, वो यूएस क्या चांस लेता है. तो आई थिंक नेक्स्ट 6 months तो हम प्रेशियस मेटल पे अभी भी बुलिश हैं, बट उसके बाद एज एंड व्हेन द डेटा चेंजेस वी विल हैव टू प्रोबब्ली एडजस्ट आवर कॉल्स अकॉर्डिंगली. अंकिता, एक छोटा सा रैपिड फायर के 4-5 सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आप 1 word या फिर 1 line में आप उसका जवाब देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. सो आई जस्ट स्टार्ट इट नाउ. इज यूएस रिसेशन कमिंग, यस और नो? नो. No hard landing, only soft landing. Okay. Equity or bonds, where to invest? Equity. Cryptocurrencies, boom or bust? Bust. I don't understand that space. So sorry, Geetu. So I'm always negative on it, but that's a knee-jerk reaction. Let's see. But as I said, because risky assets are not doing well, it's hard for, you know, riskiest of the risky asset to do well in the short term. True. Urban or rural economy, what will drive Indian economy from here, drive growth for India? I think it's urbanization that drives Indian economy. Oil prices above $100 or below 70 in next 1 year? Above 100 or below 70? Yes. 70 to 100? I'm kidding. 70, 100. 70. I think 70 sounds more plausible, except for the Eastern crisis. Okay. Biggest headwind for India's economy? Not being able to take advantage in exports. Okay. So, Ankita, बहुत-बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने का. Thank you so much for taking our time. It is really a pleasure speaking with you. Thanks, Geetu. Likewise, and happy Diwali to all our listeners. I am wishing you too a very happy Diwali, Ankita.